राजकोट में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, बोले मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। अमित शाह बोले लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद यह साफ हो गया है कि जनता ने मोदी को एक बार फिर सत्ता में लाने का फैसला किया। अमित शाह ने कहा कश्मीर भारत का है, लेकिन कांग्रेस कहती है कश्मीर और गुजरात का क्या लेना देना है, उनकी सरकार में धमाके होते थे, मोदी जी ने कश्मीर से आतंकवाद को खत्म किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार क्या बैलेट पेपर से बनी है। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे, जो लोग आज ईवीएम को नकार रहे हैं वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, हाथरस की रैली में बोले कांग्रेस ने पहले देश को बांटा और अब आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाया अभियान। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पर बनाई ह्यूमन चेन और जताया विरोध। केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर अटैक, आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार से डर गई है बीजेपी, दिल्ली के लोग तानाशाही का जवाब देने को तैयार, ये कहा अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा हमला, कहा आपको तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए था लेकिन कुर्सी और बंगले के मुंह में नहीं छोड़ पा रहे पद। दिल्ली बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा सत्ता के लोभी हैं केजरीवाल, जेल में रहते हुए सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए देश हित से ऊपर निजी है। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मनोज तिवारी का केजरीवाल की जिद के कारण दिल्ली का नुकसान हो रहा है, केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी, गोपाल राय ने वॉर रूम का किया उद्घाटन। दिल्ली में सिख समुदाय के कई लोग बीजेपी में हुए शामिल, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में ली पार्टी के सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सिखों के लिए अगर किसी ने सही मायनों में काम किया है तो वो पीएम मोदी ने किया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक, अमेठी और रायबरेली सहित कई सीटों पर होगा मंथन। कांग्रेस कर सकती है अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, सीईसी की बैठक रात 8 बजे। वलसाड में प्रियंका गांधी ने कहा पूरे देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा, 10 साल में सरकार ने बातें बड़ी बड़ी की लेकिन काम कुछ नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात कही, पोस्ट कर लिखा कांग्रेस एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देगी। पीएम को लेकर दिए बयान पर हिमंत बिस्व शर्मा के जवाब से भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मैंने मोदी से बात की है सीएम से नहीं, मोदी मेरे प्रतिद्वंदी, हिमंता नहीं। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा मोदी को ऐसी बातें बोलने की आदत, याचिका एक वकील की थी मेरी पार्टी की नहीं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर बोला हमला, सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा चाइना के सामान की और मोदी की जुबान की कोई गारंटी नहीं। राहुल गांधी का कर्नाटक के बेलारी में बीजेपी पर निशाना, एक खाली लोटा दिखाकर बीजेपी को बताया भारतीय चोमू पार्टी। राहुल गांधी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि राहुल जैसा नेता कांग्रेस में है, उन्हें खुद ही नहीं समझ आता कि वे क्या बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह के पुराने बयान पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने विपक्ष को घेरा, कहा राहुल ने एक बार उनका अध्यादेश फाड़ दिया था, अगर कांग्रेस और आरजेडी में हिम्मत है तो उनके मुसलमानों वाले बयान को गलत बताकर दिखा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोली राहुल ने वायनाड को अपना परिवार बताया था, लोगों को रंग बदलते हुए देखा लेकिन परिवार बदलते हुए पहली बार देखा। राहुल गांधी के पीएम मोदी के आंसू बहने वाले बयान पर बंगाल बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल का पलटवार, कहा थोड़ा इंतजार कर लीजिए फिर पता चलेगा किसकी आंखों में आंसू बहेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का ट्वीट, दूसरे चरण की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा, 1 सीट पर बहुत करीबी मुकाबले की बात कही। चुनाव प्रचार के दौरान देवास के खाते गांव में शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत, गोद में उठाकर लोगों ने खुआया। संजय निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले विपक्ष के लिए चुनाव में कुछ नहीं बचा, पूरा देश कह रहा है एनडीए 400 नहीं 450 के पार। हैदराबाद में एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन जारी, बीजेपी की माधवी लता से है ओवैसी का मुकाबला, 13 मई को हैदराबाद में डाले जाएंगे वोट। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करो के असली एजेंडे पर आ गए। ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाया रिजर्वेशन को खत्म करने का आरोप, था सत्ता में दोबारा आए तो संविधान को खत्म कर देंगे। महाराष्ट्र में किसी मुस्लिम को टिकट ना देने से नाराज कांग्रेस नेता नसीम खान को एआईएमआईएम का खुला ऑफर, ओवैसी के सांसद इम्तियाज अलील ने कांग्रेस छोड़ एआईएमआईएम के टिकट पर मुंबई से चुनाव लड़ने का दिया ऑफर। पीएम के बयान पर बोले कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं, पीएम मोदी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए दे रहे हैं ऐसे बयान।
तेजस्वी के बाद आरजेडी के एक और नेता का पीएम के 400 पार वाले नारे पर हमला। कहा कल प्रधानमंत्री ईवीएम पर बोलते रह गए लेकिन 400 पार का नारा नहीं दिया, 100 पार भी सीटें नहीं मिलने वाली। तेजस्वी यादव के 400 पार की फिल्म फ्लॉप होने के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा उनके पिताजी 2019 में भी ऐसी ही बात करते थे, बिहार के लोग अब उनसे छुटकारा चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी डिप्रेशन में है, जनता कह रही है कि मोदी जी तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समुदाय से फिर मांगी माफी। कहा मेरी गलती के लिए पीएम मोदी का विरोध ना करें। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपनी गलती मानते हुए क्षत्रिय समुदाय के योगदान का किया जिक्र। कहा पीएम आज विश्व के नेता हैं, सिर्फ हमारे नेता ही नहीं है। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल की मां ने किया कंफर्म। बोली खंडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा अमृतपाल। उड़ीसा के अंगूल में धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, बैठक के बाद प्रधान ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को परोसा भोजन। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक और जब हारती है तो ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम तो बहाना है, असल में परिवार को बचाना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा वीवीपैट को लेकर जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उसमें कांग्रेस पक्षकार नहीं थी, फिर भी पीएम बोल रहे हैं कि विपक्ष माफी मांगे। वाईएसआरसीपी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जारी किया मैनिफेस्टो। दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान पैर में लगी चोट।